प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को अपने विद्या एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत है। और लॉकडाउन में बहुत दिन के बाद थोड़ा सा हम लोग निकले हैं, और देखिए अभी आपके सर जी भी लॉकडाउन में मास्क लगाए हुए हैं और ये पेपर पढ़ रहे हैं। विशेष मास्क हटाने तक अभी इंतजार कीजिए, कुछ देर में और बात करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम लोग विद्या एजुकेशन के न्यू कैंपस के पास पहुंच गए हैं। और अब यहां से अब देखिए, अब कुछ आपको सीन दिखाऊंगा न्यू कैंपस का। विशेष अब देखिए, यही आपका विद्या एजुकेशन का न्यू कैंपस है। और यहां पर अब हम लोग देखिए, अब ये विद्या एजुकेशन के अंदर पहुंच गए हैं। और इस प्रकार अब यहीं एंजॉय करने आए हैं, इसलिए आज आप लोग की क्लास नहीं हो पाएगा अभी, लेकिन इसकी सूचना हम लोग बता देंगे। और आगे देखिए बच्चों, आप लोग को थोड़ा हंस दिखा रहे हैं, देख लिए। और ऐसा झलक आप लोग को चिड़िया का भी झलक दिखाएंगे, इंतज़ार कीजिए। चलिए देखिए, आपके सर जी हैं और कुछ बताएंगे आप लोग को, सुन लीजिए। इसमें प्यारे बच्चों, हम लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, लॉकडाउन की स्थिति और कोरोना की स्थिति किसी से छिपा नहीं है। पूरे विश्व में मुझे लगा था कि बहुत जल्द यह समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी बहुत लंबी लड़ाई लड़ना बाकी है। लगातार मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, और इस बीच में एक ही इलाज है, घर में रहें, सोशल डिस्टेंस की दूरी बनाए रखें। और सभी लोग इसके द्वारा, भारत में अमेरिका जैसा देश जहां तबाह है, भारत में भी स्थितियां धीरे धीरे खराब ही होती जा रही है, बहुत अच्छी नहीं हो रही है। लंबी लड़ाई है और हम लोग को उम्मीद है कि इस बीच में बहुत अच्छा हम लोग करेंगे। आज रविवार को जो है हम लोग देखे कि खेतों की स्थिति, और आप लोगों के लिए ही विद्या एजुकेशन का जो नया कैंपस है, जहाँ धीरे धीरे प्रयास किया जा रहा है कि आने वाला समय एक भारत का सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाला संस्थान के रूप में विकसित हो। इसमें जब छुट्टियों में मैं होता हूं तो मैंने बताया था कि यहां ज़रूर आते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण कम आ रहे थे। आज कृषि कार्यों में सरकार द्वारा भी छूट दी गई, तो कृषि कार्य को देखने यहां थोड़ा आ गए। और इसी बीच इस कैंपस में चिड़िया और तमाम चीज़ की जो है यहाँ चहलकदमी और चहचहाट आप देख सकते हैं, जो यहाँ के बहुत सुंदर दृश्य को बनाता है। यहाँ पे कई बाकी विभिन्न चीज़ों को आशुतोष बताएगा और आप लोग के उज्जवल भविष्य की। चलिए बच्चों, तो देखिए आप लोग को हम बोले थे कि कुछ चिड़िया को दिखाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये सब चिड़िया है। और कॉकटेल, बज्जर, ये सब कोचे होता है, और इस प्रकार के बहुत सारे चिड़िया हैं जिसका तो हमको सब नाम भी मालूम नहीं है, बट सर जी सब जानते हैं। और बहुत सारा उसमें चिड़िया देखिए, वो सब जो छोटा छोटा डब्बा जैसा है उसमें चिड़िया रहता है, उसका बनाया हुआ है। और इसमें सभी का अपना अपना घर है यहाँ पर सब, और नीचे भी बनाया हुआ है इसमें, और इसमें भी कई चिड़िया वगैरह रहता है। तो अभी तो सब निकला नहीं है, इसके कारण सबको तो दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन बहुत सारा मैंने कि जितने पक्षी हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पक्षी भी देखिए। यहाँ के एक खरगोश का झलक, एक खरगोश है और इसका झलक भी देख लीजिए, ये हम लोग आते हैं तो पीछे लग जाता है। अरे बच्चों, ये अपना देश कृषि प्रधान देश है, और इस देश में हम लोग को कृषि संबंधी बहुत, जैसे आप लोग भी सोचते होंगे कि सर यहाँ पर तो कृषि के बारे में जानते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। सभी लोग जो अगर गांव से हैं तो वो लोग भी अपने काम पर लगे रहें, और अपने अगर कोई खेती हो या कुछ भी हो तो उसका आप समस्या का हल करें। अगर घर में है तो सभी चीज़ों को देखें, जिससे अपने अपनी सेवा कर पाएँ, अपने घर की सेवा कर पाएँ और अपने देश की सेवा कर पाएँ। और ये सभी है, और कभी भी एक कृषि प्रधान देश है, इसके कारण भारत को थोड़ा कम क्षति हो पाएगा, नहीं तो अन्य सभी देश को, अगर जहाँ उतना कृषि प्रधान देश नहीं है तो उन लोगों को और क्षति होगा, इंडस्ट्रियल देश को तो और ज़्यादा होता है। तो अब हम लोग ये आज की क्लास नहीं ले पाएंगे इस समय, और आपको आवश्यक सूचना यही है कि देखिए, ऐसे बहुत सारा पौधा भी यहाँ पर है और एक तालाब भी है। तो अब आप लोग को आवश्यक सूचना कि 3 से 4 आपका मैथ क्लास होगा 12वां क्लास का, और 12th के आपका मैथ हो जाएगा 3 से 4, और आपका फिजिक्स हो जाएगा 4 से 5, जिसमें टेस्ट है। 12th मैथ भी यूट्यूब पर रहेंगे लाइव,
और 12th फिजिक्स कंसेप्ट क्लियर टू रिजल्ट क्लियर यूट्यूब पर ही चैनल पर रहेंगे और मैथ विद्या एजुकेशन मैथ चैनल पर। तो आप लोग को आज के लिए बहुत बहुत स्वागत और आप लोग बने रहें इसी प्रकार और विद्या एजुकेशन आपके साथ है और आप लोग ही हैं तो हम लोग आपके साथ हैं और आप लोग के दिल पर राज करना ये मेरा काम है और हम लोग को दिल पर राज करना आप हमारी काम है और इसी प्रकार बने रहेंगे। आज हम लोग यहीं तक, फिर विशेष आगे मिलेंगे।